इधर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद को उनकी नवगठित डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी यानी डीएपी का अध्यक्ष चुना गया है। डीएपी के एक नेता ने शनिवार को ये जानकारी दी। आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस छोड़ दी थी। उन्होंने 26 सितंबर को दर्जनों पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों और अन्य प्रमुख नेताओं के सहयोग से डीएपी का गठन किया था। इनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, पूर्व मंत्री परीजादा मोहम्मद सईद, ताज मोहिनुद्दीन सहित कई नेता शामिल हैं।